स्पॉन्सर्ड बाय एनएबीएल लैब अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी, पता है रामपुर बघेलान सतना मध्य प्रदेश। स्वच्छता के मामले में शिमला से आगे निकला रीवा, स्वच्छता सर्वे में रीवा स्टार रैंकिंग में हुआ शामिल, प्रदेश के टॉप 20 में भी बनाया स्थान, ओडीएफ प्लस प्लस के नंबर पूरे जोड़े जाने पर 3 स्टार मिलने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता सर्वे पर रीवा देश के टॉप 55 स्वच्छ शहरों में प्रदेश के टॉप 20 शहरों में शामिल हो चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 4850 अंकों के साथ रीवा नगर निगम का 55वां स्थान देश भर के स्वच्छ शहरों में बन चुका है। रीवा नगर निगम के अथक प्रयासों के बाद मिली सफलता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों सहित जनता को बधाई दी है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें रीवा नगर निगम को देश भर के स्वच्छ शहरों में 55वां स्थान दिया गया और कुल 4451 अंक मिले थे, जिसमें ओडीएफ प्लस प्लस के पूरे नंबर नहीं जोड़े गए थे। परिणाम घोषणा होने के बाद जैसे ही निगम आयुक्त मृणाल मीणा को जानकारी हुई, उनके द्वारा सर्वे दल के अधिकारियों से चर्चा की गई, जिसके बाद परिणाम में सुधार किया गया। वर्तमान में जामनगर शहर 4855 अंक के साथ देश में 54वें स्थान पर है और 4798 स्कोर के साथ शिमला 56वें स्थान पर है, जबकि नगर निगम का स्कोर 4850.94 है। इसलिए रीवा नगर निगम को देश भर में 55वां स्थान मिला है, जो कि अब शिमला से आगे है। हम आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में रीवा इस पायदान पर लाने में निगम आयुक्त मृणाल मीणा के साथ तत्कालीन प्रशासक डॉक्टर इलैया राजा टी, कलेक्टर मनोज पुष्प का भी विशेष योगदान रहा है, जिसका ये नतीजा रहा कि रीवा देश भर में 55वें स्थान पर काबिज हो सका। प्रस्तुत है निगम आयुक्त मृणाल मीणा से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा की अभी स्वच्छता की रैंकिंग आई है, रीवा किस स्थान पे है और पहले भी कुछ रैंकिंग आई थी, इसमें कुछ अंतर आया है क्या? अभी वर्तमान में रीवा की रैंकिंग 55 है पूरे देश भर में। पहले इसमें एक त्रुटि हमारे नतीजों में ये हो गई थी कि ODF प्लस प्लस के हमारे मार्क्स नहीं जुड़े थे, तो अभी वो 400 मार्क्स इनफैक्ट उसके जुड़े हैं ODF प्लस प्लस के, जिससे हमारी रैंकिंग 75 से सुधर के 55 हो गई है। इससे पहले प्रीवियस ईयर में हमारी रैंकिंग 93 थी, उसके पहले के वर्ष में 116 थी, तो निरंतर हमारी रैंकिंग में हम लोग सुधार कर रहे हैं और इसमें सबका अच्छा सहयोग भी मिल रहा है, जिससे रीवा लगभग शहर के पूरे देश के टॉप 50 शहरों में तो आ चुका है। अभी वर्तमान में एक और उपलब्धि है कि रीवा को GFC 1 स्टार दिया गया है, पहली बार स्टार रेटिंग मिली है, बट उसमें भी एक इशू ये है कि हमको 3 स्टार मिलना चाहिए था, जिससे हमको 200 अंक और प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने GFC के नतीजे देखे तो हम सारी कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं, तब भी हमको GFC 3 स्टार की जगह 1 स्टार दिया गया, तो उसके संबंध में भी मेरी लगातार चर्चा हो रही है एंड हम होपफुल हैं कि कुछ दिनों में वो भी रिजल्ट सुधर के GFC 1 स्टार से 3 स्टार हो जाएगा और हमारी रैंकिंग टॉप 40 शहरों में, लगभग अंततः टॉप 40 शहरों में रहेगी।